नमस्कार, मैं दीदी फौजर, आप देख रहे हैं हमारे साथ द नगरी न्यूज। जैसा कि आप सभी को बता दें कि फ्रांसी राष्ट्रपति इम्यून मैक्रे की भारत यात्रा के 3 दिन बाद चीन ने फ्रांस के लिए बयान दिया। राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने कहा है कि चीन फ्रांस के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। दरअसल 27 जनवरी को चीन और फ्रांस के राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद अब चीन राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने कहा कि बीजिंग द्वीपक्षीय संबंधों के विकास को महत्व देता है। हम फ्रांस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करके विकास के लिए नए रास्ते खोलना चाहते हैं। आज दुनिया एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर है। चीन और फ्रांस को संयुक्त रूप से मानव विकास के लिए शांति, सुरक्षा और प्रगति का रास्ता खोलना चाहिए। चीन का बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत की यात्रा के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन ने भारत के साथ सहयोग तेज करने के अलावा हिंद महासागर में एक महत्वाकांक्षी डिफेंस रोड मैप का अनावरण किया था। हिंद महासागर में चीन दखल बढ़ा रहा है, इसके साथ ही वो लगातार यहाँ अपने जासूसी जहाज भेजता है। इससे निपटने के लिए भारत 19 से 27 फरवरी तक हिंद महासागर में सबसे बड़ा सेनानी अभ्यास आयोजित करेगा। इसमें फ्रांस की नौसेना भी शामिल होगी। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया समेत 50 देशों की नौसेनाएं भी शामिल होंगी। हिंद महासागर में भारत को मिले रहे फ्रांस के सहयोग से चीन चिंता में पड़ गया है। वहीं मैक्रॉन ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी किया था। हालांकि फ्रांस और चीन के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। मैक्रॉन ने अप्रैल 2023 में कहा था कि हम चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ हैं और चाहते हैं कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो। इसके साथ ही 5 अप्रैल को 3 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रॉन ने चीन राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड और इकोनॉमिक सहित ताइवान विवाद पर भी चर्चा हुई थी। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए फ्रांस ने कहा था कि यूरोप और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। हमें ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच टकराव में घसीटने जाने से बचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज के साथ। धन्यवाद।